वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड सेशन 6 फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने प्रीवियस सेशन में देखा है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। तो हम लोग आज ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके बात करने वाले हैं। इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्यों हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, फिर अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सब हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। हम लोग पॉपुलरली मेनली यूज करते हैं विंडोज 7, अभी विंडोज 10 भी बहुत लोग यूज करते हैं। ओके, तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। ये हम लोगों की और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन करवाता है, ये आपको काम इजी करवाता है। जैसे कि कुछ भी आपको प्रोग्राम ओपन करना हो तो ये सब काम ये यूज इजी कर देता है। ओके, तो फर्स्ट इज इजी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर? नेक्स्ट इज इट स्टार्ट्स कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आफ्टर स्विचिंग ऑन। मतलब क्या है, जब हम लोग सीपीयू का स्विच ऑन करते हैं उसके बाद में कंप्यूटर ऑन होने तक का प्रोसेस ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसको हम लोग बूटिंग भी बोलते हैं। ओके, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है। फिर नेक्स्ट है लोडिंग एंड शेड्यूलिंग प्रोग्राम्स एज पर आवर नेसेसिटी। इसका मतलब हम लोगों को जैसे प्रोग्राम्स चाहिए, जो प्रोग्राम आपको ओपन करना है वो आप ओपन कर सकते हो और वही प्रोग्राम आप देख भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब इनपुट डिवाइसेस तो आपको पता है क्या क्या होते हैं, माउस एंड कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रिंटर, मॉनिटर एक्सेट्रा। तो ये सब जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है इसका भी वर्किंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। फिर नेक्स्ट होता है मैनेजिंग मेन मेमोरी। ओके, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको भी वो मैनेज करता है। फिर फाइल्स को मैनिपुलेट करता है, फाइल्स को सब जैसे किस कौन से फाइल को कितना स्टोर कितना स्पेस देना चाहिए, कहाँ पे उसको सेव करना चाहिए, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को अलाउ करता है। ओके, फिर यूजर्स के जो हम लोगों के जो फंक्शंस जॉब्स हैं, फाइल्स हैं, इसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक फीचर क्या है इसकी, इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स रन एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। आप बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, जैसे कि आप एक ही बार में वर्ड भी खोल सकते हैं, नेक्स्ट आप एक्सेल भी खोल सकते हैं, पेंट भी खोल सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली एट अ टाइम हर एक प्रोग्राम में आप काम कर सकते हैं। ओके, तो ये एक अच्छा फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मैनेज करता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गए सब आपके जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये मैनेज करता है, और हार्डवेयर हो गया आपका जैसे प्रिंटर हो गया, कुछ भी हार्डवेयर आप अगर अटैच करते हैं तो ये भी वो मैनेज करते हैं। ओके, तो ये सब हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट रन आवर कंप्यूटर। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। पुराने जमाने में जैसे हम लोग डॉस यूज करते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। इसका मतलब उसमें कमांड्स चाहिए होते थे कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए, राइट।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोगों के ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है आपको ये आइकॉन्स के थ्रू या फिर पिक्चोरियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये आपको सब वर्क इजी कर देता है। और ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का आइकॉन्स। व्हाट इज आइकॉन? आइकॉन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे कि देखिए ये सैंपल है माय कंप्यूटर रिसाइकल बीन डॉक्यूमेंट्स। दीज आर द सैंपल ऑफ आइकॉन्स। ओके देखिए ये होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन्स होते हैं जिससे ये जितने भी देख रहे आप आइकॉन्स हैं। ओके ये दिस पीसी को मैं ओपन कर रही हूँ। दिस पीसी कोई कोई कंप्यूटर में होता है माय कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे भी छोटे छोटे जो है वो आइकॉन्स हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स, डेस्कटॉप पिक्चर्स, ये सब आइकॉन्स हैं। और ये सब क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं। ड्राइव्स हम लोगों के हार्ड डिस्क के कुछ कुछ पार्टीशन किए हुए रहते हैं। ओके जैसे कि सी ड्राइव में रहता है सब आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं ये सब सी में रहते हैं, राइट। और फिर डी में आप कुछ कर सकते हैं, मतलब ये सब अलग अलग ड्राइव्स रहते हैं। फिर ये हो गया CD या DVD का ड्राइव। इसमें अगर CD अगर आपने इंसर्ट किया तो आप लोग ये F ड्राइव से CD को ओपन कर सकते हैं। और ये होता है USB ड्राइव। USB ड्राइव किस लिए होता है? जैसे कि आप कोई भी डिजिटल कैमरा हो उसको USB से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी पेन ड्राइव हो उसको USB से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये सब होते हैं USB ड्राइव। ओके और तो ऐसे अलग अलग से CDEFG ये सब ड्राइव्स हैं। और ये सब अलग अलग आइकॉन्स हैं। ये जो आइकॉन है फिर फोल्डर, ये देखिए ये जो माय वर्क है ये फोल्डर का साइन है, फोल्डर आइकॉन है। ओके तो ऐसे अलग अलग से आइकॉन होते हैं। देन नेक्स्ट इज रिसाइकल बिन। आपको पता ही है व्हाट इज द यूज ऑफ रिसाइकल बिन? इट स्टोर्स ऑल द डिलीटेड फाइल्स। ओके तो ये हम लोगों ने देखा आइकॉन्स के बारे में। तो आइकॉन्स के बारे में देखा, फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो आइकॉन्स आप जो देखा ये जो आइकॉन्स है ये आइकॉन्स सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही दिखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी दो टाइप्स होते हैं, एक CUI एक GUI। CUI means character user interface and GUI means graphical user interface। तो ये जो आइकॉन्स हैं ये आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दिखते हैं। जैसे कि मुझे जो चाहिए मैं ये आइकॉन्स के यूज से ओपन कर सकती हूँ। ये सब आइकॉन्स हैं। ओके जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट आएंगे। ओके तो ये हो गया यूज ऑफ आइकॉन। नेक्स्ट इज सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फीचर्स होते हैं? ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, और ये आपको इजी इंटरेक्शन करवाता है बिटवीन अस एंड कंप्यूटर। और ये हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और एज वेल एज हम लोगों ने क्या देखा? आइकॉन्स देखे। आइकॉन्स क्या क्या होते हैं, आइकॉन्स क्या क्या यूजेस होते हैं।